भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता पूर्व सीएम ओम भारती महाकौशल के बालाघाट पहुंची, जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को असहज करने वाला बयान दिया है। सुनिए। कार से उतरती उमा भारती, उमा भारती का स्वागत करते उनके समर्थक, समर्थकों से गुलदस्ता लेकर उनका अभिवादन स्वीकार करती उमा। ये तस्वीरें एमपी के बालाघाट की। उमा भारती आज बालाघाट पहुंची, जहां उनके समर्थकों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उमा भारती ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर शराब और शराब नीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। ये तो एक माफिया है जहरीली शराब का, जो पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में काम करता है, नेताओं के संरक्षण में काम करता है। उमा भारती ने ये तक कह दिया कि देश में तीन दैत्य हैं, शराब माफिया, खनन माफिया और पावर जनरेशन माफिया। ये तीनों मिलकर देश को निगलने में लगे और मेरे पीछे पड़े, जो मेरी जिंदगी तक को ले जाएंगे, ऐसा लगता है। ये तीन महादैत्य हैं, एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक पावर जनरेशन माफिया। ये तीनों मिलकर के देश को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बालाघाट में लोधी समुदाय की आबादी निर्णायक भूमिका में, उमा भारती का बालाघाट में खासा वर्चस्व रहा है। अब देखना होगा कि उमा की बयानबाजी का सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ता है। खबर मुरैना से, जहां बीजेपी की महिला नेता के घर